अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर साजिद बशीर। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो ये है कि हाउ टू सेलेक्ट द टाइटल ऑफ अ रिसर्च पेपर और ऑफ योर थीसिस। किसी भी स्कॉलर को जब भी वो किसी पेपर पे काम करे या थीसिस पे काम शुरू करे तो सबसे पहला इशू ये फेस करना पड़ता है कि किस टॉपिक पे मैं काम करूँ, कैसे उस टॉपिक को सिलेक्ट करूँ। तो उसके लिए ब्रीफली आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहला काम मेरा ख्याल है सब लोगों को जो करना चाहिए वो ये है कि इफ़ यू वांट टू पब्लिश इन क्वालिटी जर्नल और डू क्वालिटी रिसर्च, तो आपको उसके लिए सिर्फ क्वालिटी जर्नल्स को ही पढ़ना चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स इस वक्त ये आप देख रहे होंगे, ये इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल लिस्ट है जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स हर साल पब्लिश करता है। तो इसमें ओवरऑल हर डोमेन के जर्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करें कि अपनी डोमेन का जर्नल आप सेलेक्ट करें, बेस्ट जर्नल्स, और उसमें से टॉपिक देखना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंस के लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे काम करना है तो लेट्स से इन दिस लिस्ट आई सर्च फाइनेंस। तो ये अब फाइनेंस का दुनिया का नंबर वन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल आपके सामने है, जर्नल ऑफ फाइनेंस हैविंग इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 6.21। इसी तरह मैं अगर देखूँ इसके बाद मैथमेटिकल फाइनेंस 2.5, फर्दर अगर हम आगे जाते हैं एजुकेशन फाइनेंस एंड पॉलिसी, फर्दर अगर हम देखें जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फाइनेंस के जर्नल मेरे सामने आ रहे हैं विद इम्पैक्ट फैक्टर। इसी तरह अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करना है, यू कैन राइट ह्यूमन रिसोर्स, जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मार्केटिंग के लोग दे कैन सिंपली राइट मार्केटिंग, जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ मार्केटिंग रिसाइंस, जर्नल ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी डोमेन के बेस्ट जर्नल्स सर्च करें, कम से कम टॉप जो 8 to 10 जर्नल्स हैं, और उन जर्नल्स में से फिर देखें कि आजकल किन टॉपिक्स पे काम हो रहा है। बिकॉज फॉर पब्लिकेशन और फॉर नॉवल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो यही है कि इस वक्त दुनिया में कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और उसके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं इनमें से किसी एक जर्नल को सर्च करता हूँ, उसके आर्टिकल्स को। फॉर एग्जाम्पल, मैं जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये OBHRS डोमेन के आर्टिकल्स। अब इसमें हम अगर गूगल स्कॉलर में सर्च करें तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लेटेस्ट पब्लिकेशन के ऊपर। मतलब टॉपिक सिलेक्शन के लिए मेरी सजेशन तो यही है कि आपको लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स को देखना चाहिए। सो मैं गूगल स्कॉलर को सिंस 2018 पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, तो आप अब ये देखें कि लेटेस्ट पेपर्स आजकल इस पे किस डोमेन में हो रहे हैं। मसलन ऑल दो ये मिक्स रिजल्ट शो कर रहा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्सनैलिटी चेंज के ऊपर काम हो रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इनटू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस के ऊपर काम हो रहा है। इसी तरह अगर हम फर्दर देखते जाएं तो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। तो आप ये देखें कि लेटेस्ट जो 2018-19 में कौन से इशूज़ हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, इनमें से इन टॉपिक्स को सेलेक्ट करते जाएँ, और आई गेस 5 to 6 अगर टॉपिक्स आप अपने पास नोट करके रख लें तो बहुत अच्छी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि फर्दर किस टॉपिक के ऊपर आपको काम करना चाहिए। मतलब अब मैं यहाँ पे, ये एक आर्टिकल है सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर पब्लिश हुआ है, तो मैं ये सोचता हूँ कि चलें सर्वेंट लीडरशिप में भी एक यूनिक टॉपिक है, इसको मुझे देखना चाहिए। तो वंस आई सेलेक्ट के सर्वेंट लीडरशिप, तो फिर मुझे सर्च सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर करना चाहिए कि इसके ऊपर कौन से लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। और अगेन बेस्ट स्ट्रेटजी इज 2018, इवन यू कैन सेलेक्ट 2015 एज वेल। और 2018 को मैंने देखा अगर, तो अब ये पता चल रहा है कि ये जर्नल ऑफ वोकेशनल बिहेवियर, ग्लोबल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, ये मुख्तलिफ सर्वेंट लीडरशिप के इशूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं अब इनमें से कोई भी आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल ये अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में 2019 में आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसे मैं देखता हूँ कि इसमें क्या लेटेस्ट जो पब्लिकेशन आई है इसमें क्या ट्रेंड उन्होंने बताया है। सो टेकिंग स्टॉक ऑफ मॉरल अप्रोचेस टू लीडरशिप एंड इंटीग्रेटेड रिव्यू ऑफ एथिकल ऑथेंटिक एंड सर्वेंट लीडरशिप,
सो अक्सर इसमें जैसे यहाँ पे उन्होंने तीनों डोमेन्स को डिस्कस किया, इसका मतलब है कि तीनों टॉपिक्स करंट हैं। आप अगर इस डोमेन में कोई थीसिस या पेपर करना चाहते हैं तो किसी भी टॉपिक पे आप काम करें, दैट्स गोइंग टू बी अ गुड वर्क। मसलन सर्वेंट लीडरशिप किन किन आउटकम्स के साथ ये स्टडी हो चुके हैं अभी तक, कौन से इसके आउटकम अभी रहते हैं, और ये एक जेनेरिक इन्होंने फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि एथिकल, ऑथेंटिक और सर्वेंट लीडरशिप के लिए कौन कौन से मीडिएटर्स अभी तक यूज़ हो चुके हैं, आउटकम्स कौन कौन से हैं। अब इसमें से मुझे देखना पड़ेगा कि क्या नॉवल्टी में फाइंड आउट कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे रिलेट करके हम कोई चीज़ नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए एक तो बेस्ट सजेशन ये है कि इसी आर्टिकल के आप एंड में जाएं और वहाँ पे देखें कि फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में होपफुली उन्होंने कोई ना कोई ज़रूर बताया हुआ होगा कि किस एरिया के ऊपर अभी काम जो है वो कम हुआ हुआ है, किन डोमेन्स के ऊपर मुझे देखना चाहिए। सो जैसे इसकी कंक्लूजन में उन्होंने कहा हुआ है कि लीडर्स मोरालिटी कैन इन्फ्लुएंस देयर लीडरशिप इफेक्टिवनेस इन डिस्टिंक्ट वेज इफ लीडरशिप रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स टूवर्ड्स अचीविंग कलेक्टिव द मॉरल फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप सजेस्ट वट दोज कलेक्टिव गोल्स एंड हाउ दे माइट बी रीच फॉलोअर्स कैन बी इंस्पायर्ड बाई लीडर हु एडवोकेट द हाइस्ट कॉमन गोल। तो अब इन चीज़ों के मुझे पढ़ के ये पता चलता है कि अगर लीडर सर्वेंट लीडरशिप या एथिकल ये शो करेगा तो फॉलोअर में बहुत सी चेंजेस वो देख सकता है, फॉलोअर में बहुत से आउटकम्स आ सकते हैं। और इस डोमेन में अगर मैं जो फ्रेमवर्क इन्होंने यहाँ पे अभी प्रेजेंट किया था उसे देखूँ तो मुझे नज़र आएगा कि बिहेवियर्स और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर फॉलोअर्स के ऊपर काम उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या ऐसी चीज़ है जो मैं रिलेट कर सकता हूँ, मसलन रफली मुझे नज़र आ रहा है कि अगर लीडर अथेंटिक या सर्वेंट होगा तो क्या आजकल बहुत से इश्यूज जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि क्या फॉलोअर भी एथिकल होगा, वो आउटकम मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा। सो फॉलोअर्स एथिकलिटी वो इसमें आ सकता है, क्या अगर लीडर एथिकल ऑथेंटिक या सर्वेंट है तो इससे क्या फॉलोअर की क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, ऑल दो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है उसके इनोवेटिव बिहेवियर पे क्या इफेक्ट हो सकता है, उसकी अपनी मोरालिटी के ऊपर, उसका जो मॉरल डिसंगेजमेंट है। सो इन चीज़ों को ले के मुझे चाहिए कि मैं एक मॉडल डेवलप करूँ और उसके ऊपर काम शुरू करूँ। इसी तरह अगर हम फर्दर और टॉपिक्स को दूसरे डोमेन के भी देखें, मसलन मैं अगर मार्केटिंग की डोमेन में काम करना चाहूँ, तरह अगर मार्केटिंग का हम देखें तो जनरल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इसको अगर हम सर्च करते हैं लेटेस्ट आर्टिकल्स इसके किस डोमेन में हैं, तो ये एक टॉपिक आजकल बहुत पॉपुलर है और मेरा ख्याल है इसमें बहुत रूम भी है रिसर्च करने का, वो है ह्यूमर और कंज्यूमर बिहेवियर का। तो इसमें अगर हम इसका कोई एक आर्टिकल देखते हैं जो जनरल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ने पब्लिश किया है कि ह्यूमर कॉमेडी एंड कंज्यूमर बिहेवियर इनके क्या रिलेशनशिप हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमर अप्रिसिएशन इफेक्टिव प्रोसेसेस और गोल अटेनमेंट पे उसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो इस डोमेन के आर्टिकल्स इस टॉपिक को आप लेके किसी भी फॉर्म में, मसलन अब अगर मुझे ये लगता है कि ह्यूमर और इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ मार्केटिंग में, तो मैं ह्यूमर एंड कंज्यूमर बिहेवियर इसको अगर सर्च करूँ तो आई विल फाइंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स के इनका क्या इम्पैक्ट है। तो इसमें एक बहुत अच्छा थ्रेटिकल फ्रेमवर्क मैं बना सकता हूँ। सो इसी तरह आप कंज्यूमर बिहेवियर या मार्केटिंग के अंदर और भी बहुत अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करके उनमें से किसी एक को फोकस करें, मतलब यू मस्ट हैव लिस्ट 5 और 4 और 5 टॉपिक्स, देन यू मस्ट सर्च डिफरेंट आर्टिकल्स और उनमें से किसी एक को फिर फोकस करके कोशिश करें कि उस पर अपना थ्रेटिकल फ्रेमवर्क बना दें। फाइनेंस के लोग फाइनेंस से रिलेटेड जो जर्नल्स हैं उनके लेटेस्ट पब्लिकेशन को देखें कि उनमें कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर आजकल ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे ये अगर मैं देखूँ जनरल ऑफ फाइनेंस में मोर्टेलिटी बिलीफ एंड हाउस होल्ड फाइनेंस पजल्स इसके ऊपर काम हो रहा है, रैकिंग एंड रिस्क टेकिंग इन फाइनेंस इंडस्ट्री। सो 2018 का पर्पस यही था कि सिर्फ लेटेस्ट पब्लिकेशन, इवन 2019 में आप देख सकते हैं कि इस वक्त कौन से इश्यूज अभी जो रिसेंटली पब्लिश हुए हैं, डेवलपमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा
टॉपिक हो सकता है। तो इनमें से जो भी आर्टिकल्स आप देखेंगे वो अपना फ्रेमवर्क और फ्यूचर डायरेक्शन आपको बताएंगे, जिससे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट के विच टॉपिक्स आर करंट और इस पे मुझे काम। मतलब ये अभी जो वीडियो हम देख रहे हैं इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर काम करूं जो इस वक्त करंट हैं, जो ऑब्सोलीट नहीं हो चुके, जिन पे दुनिया इस वक्त काम कर रही है, और उसमें से मैं कोशिश करूं कि फर्दर कोई वे आउट फाइंड आउट करूं कि मैंने किस डोमेन में काम करना है। तो इस फर्स्ट पार्ट में इतनी हम डिस्कशन करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट जो इसके बाद हम अपलोड करते हैं उसमें आप देख सकेंगे मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स किस तरह से उसे यूनिक बनाते हैं, कैसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे टॉपिक ज़्यादा नॉवल फाइंड आउट हो सकता है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी यूज़ करते हुए मॉडल अगर बनाना चाहें वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ यू विल हैव टू वेट फॉर द सेकेंड वीडियो। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें तो सही होगा कि जैसे ही कोई अपडेट आती है नेक्स्ट वीडियो, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी उसे हम अपलोड करें। तो ये एक सीरीज़ में वीडियोस चलेंगी जिसमें वी विल ट्राई टू कवर द इंटायर रिसर्च प्रोसेस। सो होप कि जो आज जो मैंने अभी डिस्कशन की है इससे इतना आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि मैंने अगर टॉपिक सेलेक्ट करना है तो विच आर द बेस्ट सोर्सेज जहाँ से मैं टॉपिक के ऊपर काम कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।